adattato. ये वॉशरूम के भी जो है चार्जेस हैं, यहाँ पे हम डालते हैं इसके अंदर कॉइन। अभी हम वहाँ पहुँचते हैं और अपनी बोर्ड में बैठ के तकरीबन अंदर का सिटिंग एरिया है कि आपने अगर यहाँ बैठना है तो आप यहाँ भी बैठ सकते हैं। तो आप ग्राउंड फ्लोर में बैठे नीचे, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर में बैठे, जिम भी मिल गया भाई हमें। प्रिंसेस आइलैंड पे आए कोई भी आके यहाँ पे अगर एक्सरसाइज करना चाह रहा है भाई, यहाँ पर ना एक इन्होंने ये जलपरी का मुजस्मा बनाया हुआ देख रहे हैं आप। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे भाई, ठीक ठाक होंगे भाई। हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ मार्केट में और यहाँ से हम लोगों ने अभी कराने हैं करेंसी एक्सचेंज। आपने पाकिस्तान से जब भी आना है वहाँ से डॉलर ले लेने, डॉलर लेके यहाँ पे आने हैं और साथ आपने ले लेने हैं थोड़े से यहाँ के लीरा। जब आप एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि टैक्सी या बस या ट्रेन लेनी पड़ेगी, तो थोड़े लीरा आपके पास होने चाहिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर मनी चेंजर के पास, यहाँ पे तो मनी एक्सचेंज कराएंगे और अभी रेट क्या है ये जरा देख लेते हैं। गूगल पे चल रहा है जी ये रेट, तो चलते हैं अंदर से पता करते हैं कि हमें क्या रेट मिल रहा है यहाँ पे। अभी आप लोग 2023 में है तो कितने का मिलता है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। भाई हम लोग जा रहे हैं प्रिंसेस आइलैंड, पैसे हमने चेंज करवा लिए हैं। तो आदिल भाई क्या रेट मिला है हमें? हमें जो गूगल पे रेट शो हो रहा था ना वो 19.51 था, लेकिन दुकान पे जो रेट था ना उनका हमेशा मैंने नोट किया चेंज ही होता है, कभी बासन कम होता है कभी ज्यादा होता है। अभी ज्यादा मिल गया हमें, ज्यादा मिल गया मतलब आप कह सकते हो 100 लीरा जो है के पीछे 60 पैसे हमें एक्स्ट्रा मिले, मतलब हमें $100 के अगर हमें $100 दिए हैं तो $100 के हमें मिले हैं 2000 लीरा से थोड़े से ऊपर मिले। तो ये बड़ा अच्छा रेट है इस टाइम पे क्योंकि करेंसी अभी पहले के मुकाबले में थोड़ी सी डाउन हुई है, तो उससे ये है कि आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि जब आप डॉलर लेकर आएंगे तो आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बस स्टॉप पे, बस स्टॉप से हम यहाँ से बस लेंगे और जाएंगे प्रिंसेस आइलैंड। प्रिंसेस आइलैंड एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जो हमारे दोस्तों ने भी कहा था कि आप जब भी वहाँ जाएँ तो लाजमी वहाँ विजिट करें। तो अभी वहाँ के लिए सफ़र शुरू है, ठंड यहाँ पर है और प्रिंसेस आइलैंड में क्योंकि और ठंड होगी, तो चल के आपको आज प्रिंसेस आइलैंड दिखाते हैं और ड्रोन उड़ाने की भी कोशिश करेंगे। ड्रोन हमने साथ रख लिया है कि शायद चांस मिल गया। लोकल तंदूर वगैरह दिखाना, इधर पे लोकल नान वगैरह, लोकल तंदूर भी है यहाँ पे, पराठे वगैरह नान ये वो सब कुछ ये बन रहा है, ये लोकल तंदूर है यहाँ का, ताजे बना रहे हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त, बेहतरीन है बेहतरीन है। अभी चलते हैं बस स्टॉप की तरफ, नाश्ता ही बन रहा है। वाह जी वाह, सीधा हम लोगों ने जाना है अपनी एक फेरी में बैठना है और फेरी पे तकरीबन 2 घंटे का ट्रेवल है फिर प्रिंसेस आइलैंड इंशाल्लाह। हम 11 से बस पे बैठ के ये सामने जो है ना ये आपका क्रूज शिप का जो है यहाँ से बुक करानी होती है, यहाँ से टिकट बुक होगी और फिर तकरीबन यहाँ से 1.5 से 2 घंटे की जो है हमारी राइड है और फिर हम जाएंगे प्रिंसेस आइलैंड। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ से बैठेंगे ट्रेन पे और हम जाएंगे नेक्स्ट अपने स्टॉप पे, आपने तुर्की आना है तो ये यहाँ की एक लोकल ब्रेड है जो आपने लाजमी ट्राई करनी है। अच्छा, इसमें 2 किस्म की ब्रेड है, एक ब्रेड है थोड़ी सी हार्ड ठीक है और एक ये वाली ब्रेड जो है ये है थोड़ी सॉफ्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट। हमें जो भी ट्राई करनी है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो आदिल भाई कह रहे हैं कि यहाँ से भी हम प्रिंसेस आइलैंड जा सकते हैं लेकिन क्योंकि हमें कल जाना है अर्थरुगुल के बुरसा जाना है तो हमें बुरसा की टिकट वहाँ से बुक करनी है, तो इस वजह से जो है हम पहले यहाँ से बैठेंगे और फिर जाएंगे आगे। चलें जी, हमें अभी ट्रेन से उतर गए हम लोग और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अपनी कल की टिकट बुक कराने के लिए और फिर कल की टिकट हम बुक कराएंगे और फिर हम प्रिंसेस आइलैंड के लिए निकल जाएंगे जी। ये है वो स्पॉट जहाँ पे लोग आ जाते हैं और फिशिंग करते हैं, जहाँ से मैं अभी हो सकता है वो ब्लॉग पहले आए, वो सामने ब्रिज है जो एशियन साइड को और यूरोपियन साइड को मिलाता है। भाई ये हमें मिल गया है, कल की टिकट हमने बुक करा ली है फेरी की और कल हम लोग जो है इस्तांबुल टू बुरसा जाएंगे फेरी से। ये हमारी टिकट हमने बुक करा ली है, एक तकरीबन 110 लीरा की है। हाँ जी, यहाँ पे सारा शेड्यूल जो है ना लिखा होता है। अभी हम लोग इस स्टॉप पे हैं, हमने जाना है प्रिंसेस आइलैंड पे, तो हमारी जो है ना टाइमिंग यहाँ पर है ये 17:35 पे यहाँ पे जो है ना बोर्ड लग जाएगी और वो सामने भी देखें वो लिखा हुआ है कि हमारा टाइमिंग ये लिखी हुई है। सर कार्ड लगा के अब हम लोग
हमें देखना है कि बोर्ड हमारी आगे है, यही बोर्ड है? नहीं, उसको उधर क्या, मैं एंड पे जाना है, बिल्कुल एंड। हाँ, बिल्कुल एंड पे जाना है जी जी। तो ये कैसे पता चलेगा, पर चलता है? ये बोर्ड लगे हुए हैं वो सामने देख। अच्छा, तो हमारी जो है वो बोर्ड का क्या नाम है और क्या सीन है? अदालत लिखा होगा। जिस तरह हमारे वहाँ पे बसेज और ये दूसरी चीजें हैं, और हमारी जिस तरह हम किमाड़ी जाते हैं तो अलग अलग बोर्ड्स आपको मिलती है ना, इसी तरह के यहाँ पे ये वाली बोर्ड्स हैं जो कि बड़ी खूबसूरत और बड़ी बेहतरीन, वेल मेंटेन। हमारा जो स्टॉप है ये अदालार है, ठीक है जी। और वहाँ पे बोर्ड्स के हिसाब से तकरीबन सबके बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई जब आपने जहाँ पे जाना है उसकी टाइमिंग, उसके सब कुछ जो है लगा हुआ है। अभी हम वहाँ पहुँचते हैं और अपनी बोर्ड में बैठ के तकरीबन एक से डेढ़ घंटे का ट्रैवल है वो करके हम निकलते हैं आगे। एक चीज़ आप लोगों को बतानी बड़ी ज़रूरी है कि जो मैंने कार्ड आप लोगों को दिखाया था ना, वो कार्ड यहाँ पे बसेज में, ट्रेन में, बोर्ड में, सब जगह पे वही चलता है। वो सामने हमारी बोर्ड खड़ी है, बस वहाँ पहुँच रहे हैं और वो निकलने वाली है, सिर्फ 5 से 6 मिनट रह गए, तो मैं फटाफट वहाँ पहुँचता हूँ। तो ये हमारी बोर्ड यहाँ पे खड़ी है शिप, अभी बस इस पे हमने बैठ के, ये बच्चा ही भाग रहा है, और हमने जाके अंदर अपनी जगह पकड़े और अंदर जाएँ। और आपको पहले सबसे अंदर आते ही हम यहाँ का जो नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या व्यू है, आप देखें जरा यहाँ से। अंदर का सिटिंग एरिया है कि आपने अगर यहाँ बैठना है तो आप यहाँ भी बैठ सकते हैं, और आपने अगर बाहर आउटसाइड एरिया है बैठना है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है बैठना है, कहीं भी बैठना है आप बैठ सकते हैं। अभी हम फ्रंट पे जा रहे हैं और फ्रंट पे जाके हम देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। अच्छा, ये है इसका फ्रंट व्यू, और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं यहाँ से कैसा लग रहा है। आप एक अपने आगे, ये जो है पहली इसकी जो डेस्टिनेशन है वो सामने लिखा हुआ है किनारी आदा, ये यहाँ पे आ गए। कितना खूबसूरत आइलैंड है ये भी। यहाँ पे उन्होंने जिन लोगों को यहाँ पे ड्रॉप करना था कर दिया है, यहाँ पे लोगों की रिहाइश भी है, ये भी एक आइलैंड है, ठीक है। यहाँ बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि घर बने हुए लोगों के, यहाँ पे लोग रिहाइश भी है, बाजार भी है, सारा चीज़ें यहाँ पर। देखें लोग उतर रहे हैं और लोग यहाँ से जा रहे हैं, जिन लोगों ने जो यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, जो यहाँ पे टूरिस्ट हैं वो सब यहाँ पर जा रहे हैं। और ये अभी बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकेगा और उसके बाद ये नेक्स्ट आइलैंड पे जाएगा, और उसके बाद दो आइलैंड्स के बाद जो है हम लोगों ने अपनी जो हमारी डेस्टिनेशन है प्रिंसेस आइलैंड, हमने वहाँ जाना है। लेकिन ये भी अगर आप देखें तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, बताए यहाँ पर वॉक करें, बहुत हसीन जगह, मज़ा ही आ जाएगा, वाह ज़बरदस्त। तो आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे नीचे, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे और चाहे तो ये आपका सेकंड फ्लोर है, टॉप है ये, चाहे तो यहाँ बैठ जाएं। लेकिन ठंड है इस टाइम पे, एक महीने के बाद जो है यहाँ मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अभी इस टाइम पे अच्छी खासी ठंड है। लेकिन ये है कि भाई मज़ा आ गया यहाँ पर आके, यहाँ से चल पड़ा है यहाँ से। एक और आइलैंड आ गया जी, यहाँ पे भी कुछ लोग जिन्होंने उतरना है वो उतरेंगे यहाँ पे, और अब हम अपने अगले। अच्छा, मेरे जहन में जब जज़ीरों का जहन आ रहा था ना, कि जब हम किसी आइलैंड पे जा रहे हैं हम कहीं, तो अब मेरे जहन में था खालम खाली होंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आगे पता चला जी, यहाँ तो कैफ़े भी है, यहाँ पे तो स्टारबक्स भी है, यहाँ पे तो सब कुछ है भाई। कितने आलीशान घर बने हुए हैं, बेहतरीन किस्म के। असल में हम लोगों ने वो क्या कहते हैं किवाड़ी और बाकी इलाकों के इतने विज़िट किए हैं ना, कि अब यहाँ के जो है वो आइलैंड देख के थोड़ा सा वो हैरानी और परेशानी हो रही है कि हम लोगों को आटा चीनी मक्खन दाल मलाई बिजली और गैस के ना कैसे फंसा के रखा हुआ है हम लोगों को, है ना जी। तो इससे बाहर निकलना होगा, काबिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्यों जी, अगले हम आइलैंड पे आ गए हैं, हे बलेदिया ये लिखा हुआ जी, और इसी तरह ये कुछ बोट्स वहाँ से वापस आ रही हैं और हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। मगरिब होने में अभी भी यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा बाकी है,
यहाँ पे मगरिब काफ़ी लेट होती है, तो अभी टाइम हमारे पास है। मेन मामला ये है कि वहाँ पहुँच जाएँ और हमें सनसेट मिले बड़ा खूबसूरत सा। इन ये देखें आप, यहाँ के आइलैंड इतने हसीन हैं, मैं करीब से अगर दिखाऊँ, ये देखें लोग खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और एक हमारा आइलैंड है कीमाड़ी जी, आ गया है हमारा प्रिंसेस आइलैंड। और अब हम प्रिंसेस आइलैंड के लिए यहाँ से उतरेंगे और अब हम सीधा रवाना हो जाएंगे और जाके आपको दिखाएंगे कि प्रिंसेस आइलैंड जो है वो कितना खूबसूरत है। चलिए जी, बैग उठा लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलें जी, हमारा बाहर निकलने का टाइम आ गया। चलें जी, वाह जी वाह, क्या बात है। लेकिन वो लोग नॉर्मली अपनी साइकिल्स को भी लेके साथ चलते हैं, ये बसेस में और बाकी जगहों पे साइकिल जो है वो अलाउ होती है। और ये लोग कुछ यहाँ पे जो खड़े हैं वो वेट कर रहे हैं कि ये बोट खाली हो तो ये फिर इसमें बैठे। इस आइलैंड ने तो हमारा नज़रिया ही बदल दिया है आइलैंड्स को लेके। भाई हम प्रिंसेस आइलैंड पे आ गया, यहाँ आते ही जो है ना इन्होंने बोला यहाँ पर सारे सैलेड की सारी वैरायटी है हमारे पास और ये सारे रेस्टोरेंट हैं इनके ज़बरदस्त किस्म के। हम आगे देख रहे हैं, मैंने तो इनको बोला है कि मुझे सबसे पहले जो है ना यहाँ का जो है शॉर्मा रोल जो है वो भी ट्राई करना है, लेकिन ओवरऑल जगह ऐसी ज़बरदस्त है ना। ये अभी हम कहीं बैठते हैं, कुछ खाना खाते हैं, क्योंकि खाना हम लोगों ने खाया नहीं हुआ, सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है। तो आगे चलते हैं और कहीं से कोई, ये देखें ये सारा जो है ना इस तरफ समुंदर है और ये सारे रेस्टोरेंट लाइन से बने हुए हैं। अब कोई आगे देखते हैं कोई रेस्टोरेंट और वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ बैठ के जो है खाना वाना खाते हैं। ये देखें कैब्स यहाँ पर रखे हुए हैं कैप्टन के और डिफरेंट किस्म के। अगर आप यहाँ पे आके इस तरह की कोई फ्लावर कैप पहनना चाहें तो वो भी पहन सकते हैं। लेकिन अब ये आगे हम चल के देखना चाह रहे हैं कि हमें कहीं से अच्छा ये जो इस सी साइड पे जो बैठे हुए जो रेस्टोरेंट है ना सारे, ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। अच्छा ये जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कुत्ते, ये ऐसे आवारा हैं? आवारा हैं, लेकिन इनके कानों पर ना एक टैग लगा होता है जिसका मतलब ये काटेंगे तो आपको। लड़ पड़े कुत्तों का झगड़ा। कुत्ते देखे यहाँ पे कितने बड़े बड़े हैं, जैसे किसी ने पाले हुए हैं। घर कितना खूबसूरत है, नॉर्मली आप मूवीज में देखते हैं ना, बड़ा जबरदस्त घर है यार, क्या बात है। ये साइड देखे, अभी मैं चाह रहा हूँ कि हमें कोई ऐसा स्पॉट मिल जाए जहाँ पे हमें बड़ा ही खूबसूरत किस्म का हमें सनसेट जो है वो देखने को मिले। अच्छा वो सारा सामने जो देख रहे हैं ना आप, वो सारा जो है एशियन साइड है इस्तांबुल की। जिम भी मिल गया भाई हमें प्रिंसेस आइलैंड पे आए, कोई भी आके यहाँ पे अगर एक्सरसाइज करना चाह रहा है अभी ट्राई करते हैं इस पर थोड़ी सी कितना वेट है इसका। शोल्डर की एक्सरसाइज नहीं की वैसे, बड़ा टाइम हो गया आज यहाँ पे करके देखते हैं। लेकिन आप सूरज देख रहे हैं, आय हाय 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 क्या ही बात है भाई। यहाँ पर ना एक इन्होंने ये जलपरी का मुजस्मा बनाया हुआ, देख रहे हैं आप सामने, इसी को देखने के लिए लोग आते हैं दूर दूर से इस प्रिंसेस आइलैंड पे। और यहाँ पे लोगों की रिहाइश भी है, सारी बातों को छोड़ के ये आप बहुत ही हंसी। ज़बरदस्त सामने सारा इस्तांबुल नज़र आ रहा है आपको, इस्तांबुल की एशियन साइड। और अब मैं यहाँ पे बैठ के सोच रहा हूँ कि सनसेट का नज़ारा मैं यहाँ पे बैठ के करूँ। Thank you.
ये यहाँ की लोकल आम बिल्लियाँ हैं, एक हमारी बिल्लियों का हाल है माशाल्लाह, कुत्ते बिल्लियाँ दोनों यहाँ पे सेहतमंद है और कोई डर डरा भी नहीं रही, आराम से कौन से घूम रही हैं। देखें ये, देखें ये तो उल्टा अपनी तरफ आने लग गई जी। आपने नॉर्मली कार्टून में डॉल हाउस देखे हैं, यहाँ पे रियल में डॉल हाउस, वाह जी वाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है। ये तो कोई ख्वाबों का शहर लग रहा है, ये तो बिल्कुल ही जैसे आप नॉर्मली देखते हैं मूवीज़ के अंदर, सकून ही सकून हर तरफ, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कुछ भी नहीं, ज़बरदस्त, बहुत बहुत खूबसूरत जगह है जी। यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट भी यहाँ पर है, टमाटर देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर है, ये देखें क्या बात है, साफ सुथरे टमाटर, सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे रखी हुई हैं, रेट्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, बेहतरीन। हम लोग फिलहाल जा रहे हैं आगे, ये कैफेज हैं साथ, रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, और हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए। लेकिन ये जो आइलैंड है, ये कुछ जैसे कुछ ख्यालों की दुनिया होती है ना, कुछ उसी तरह का है, मेरे लिए तो है ये, मेरा कोई पहला एक्सपीरियंस है इस तरह का कुछ देखने का। हो सकता है कुछ लोगों ने जो पहले यूरोप या दूसरी कंट्रीज विजिट कर चुके हों, उनके लिए ना हो। ये मस्जिद है माशाल्लाह, यहाँ पे अभी अजान भी हुई है, देख के लगता है कि यूरोप है। अजान हुई तो फिर आपको फील आता है कि एक मुस्लिम कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं। एक रेस्टोरेंट में आए हैं, वहाँ पर हमें भाई मिले, आदिल भाई ने बताया कि ये उर्दू बोलते हैं। वालेकुम अस्सलाम, खाना खा लिया? खाना खा लिया इंशाल्लाह आफ्टर, बहुत मजे का खाना है, बहुत मजे का खाना है, बहुत अच्छा है, सस्ता है, बहुत अच्छा है और सस्ता भी है। यस, सस्ता कैसे है? सस्ता बासमती राइस, पाकिस्तान राइस है, ओके, बासमती राइस सही है, यस, 50 लीरा, 50 का सही है। बिरयानी, बिरयानी है, बिरयानी कितने का है? बिरयानी चिकन, बिरयानी मीट, हाँ कितने का है? 120, इतने का तो रुपयों में मिल जाता है कराची में। पाकिस्तान फूड एंड तुर्किश फूड मिक्स मिक्स, यस। व्हाट्स योर नेम? इमरे, इमरान। इमरान, यस, इमरान, हाँ ओके। आई एम हियर आइलैंड, दिस रेस्टोरेंट, दिस माय पैलेस, नॉट जस्ट, सॉरी, कम एंड एंजॉय योर बीट। ओ माशाल्लाह, इट्स योर रेस्टोरेंट? यस, साइकिल वगैरह चाहिए हो, यहाँ पे साइकिल जो है वो आपको रेंट पे मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक आपको रेंट पे मिल जाती हैं। शॉप देखें यहाँ पे किस तरह की, बेहतरीन किस्म की केक की। लेकिन मैं कुत्ते देख के ही बड़े परेशान हुए, आके बड़े तंदुरुस्त, हेल्दी, तवाना कुत्ते। और हम लोग अभी यहाँ पे घूम रहे हैं, मगरिब हो चुकी है हमारे, अभी यहाँ से दोबारा से फेरी वापस जाने में फिर से तकरीबन एक घंटा बाकी है अभी। तो हम लोग वॉक करके यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ के सकून को फील कर रहे हैं। इतना सकून है, इतना सकून है भाई, कि नॉर्मली आपको इतना सकून जो है ना कराची में और अपने शहरों में तो नहीं मिलता भाई, इवन इस्तमोल में भी नहीं है इतना सकून। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसेस आइलैंड है उसे बहुत सकून। हम लोग यहाँ पे तक हमारा जाने की तैयारी हो ही गई है, जाते जाते आदिल भाई ने बोला ये कुछ इनका मीठा है, इसको क्या बोलते हैं? लोकमा। अब इसके ऊपर जो है इन्होंने इसके ऊपर कुछ चॉकलेट लगा के अब ये दे रहे हैं, और हम ये ट्राई करेंगे। ये देखें, ये देखें जी, इसको हम खड़े खड़े ट्राई करना, ये देखें कैरमल चॉकलेट, सॉफ्ट ब्रेड है, बहुत टेस्टी, बहुत मीठा भी है। सारा टूर हम लोगों ने करने के बाद फाइनली अभी रात को तकरीबन 9:45 बजे हम लोग वापस जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन टूर रहा हमारा और बहुत मज़ा आया। मतलब अगर आप लोग यहाँ तुर्की आएँ, इस्तांबुल आएँ और यहाँ नहीं आए तो समझ लें आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। अभी हम जाते हैं, ये रही जी फेरी आ गई है फिर से हमारी, और अभी सब बैठेंगे और बैठ कर हम बस अब तो अंदर जाने वाला काम है भाई, बाहर बैठना, सर्दी बहुत है,
अंदर जाने वाला काम है, अंदर जाने वाला काम। इधर बैठेंगे, इधर आ जाओ भाई, अंदर बैठेंगे आराम से। ओए हीटर चल रहा है बाबा, हीटर चल रहा है, यहीं चाहिए। इधर ही कोई कोना पकड़ के बैठ जाते हैं आराम से भाई, बाहर का काम नहीं है। मेरे ख्याल में हम इस तरफ बैठ जाते हैं कहीं, यहाँ टी वी चल रहा है, ये विंडो पकड़ लेते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं। ओए 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 सर्दी भाई, सर्दी बहुत सर्दी है। इसने गलत कर दिया मेरे साथ, मुझे बोलता है कि सर्दी नहीं है यहाँ पे, आदिल बोलता है, लेकिन जब यहाँ पर आया तो पता चला है। मतलब इतनी मोटी शर्ट पहनने के बावजूद भी ना सर्दी लग रही है। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रिप, जिसके अंदर हमने आपको प्रिंसेस आइलैंड दिखाया और उसके इर्द गिर्द में जो उसकी रिहाइशें हैं, मुझे तो बहुत ही हसीन लगा, बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप प्रिंसेस आइलैंड जाएं और वहां पे जाके कोई एक रात रहें या दो रात रहें, तो वहां पे होटल भी अवेलेबल है रहने के लिए, वहां पे आपको फूड भी अवेलेबल है, बहुत पीसफुल जगह है। अगर आप जाके वहां पे रहना चाहें, उसी कार्ड के थ्रू आप अपनी राइड बुक करेंगे और फिर सारा टाइम टेबल मेंशन होता है, तो आप वहाँ जाएं, वहाँ पे रहें, वापस आते हुए फिर आपको पैसे पे करने हैं। तकरीबन 30 से 40 लीरा के दरमियान उसकी जो है उसकी फीस है वहाँ जाने की। और वहाँ पे जो होटल है वो आपको थोड़े सर्च करेंगे, अगर थोड़ा फ्रंट पे लेंगे थोड़ा महंगा मिलेगा, 700-800 लीरा का मिलेगा पर नाइट। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके सर्च करेंगे तो आपको 300-400 लीरा के अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन वो जगह हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग जाएँ और जाके वहाँ पर रहें। तो ये हमारा ट्रिप जो था इस्तंबुल का, फिलहाल अभी इसको हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। हम जाएंगे बुर्सा, अर्तुगरुल के मज़ार पर जाएंगे, उसके अलावा हम और बहुत सारी जगह हैं, अभी हमने 5-7 जगह पे जाना है। उस्मान गाजी की उसमें जाना है, मज़ार पे जाना है, मौलाना रूमी के मज़ार पे जाना है, तो काफ़ी सारी जगहों पे। सिर्फ मज़ारों की टूर नहीं है, उसके अलावा और ही बहुत सारी जगह हैं, अंतालिया है और डिफरेंट जगह है, कैपेटोकिया है, तो वहाँ जाना है। अभी इंशाल्लाह इस ब्लॉग में यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह और किसी ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।